अब तो भी जाएगी पड़ी। ठीक है साहब, मैं चली जाएगी, लेकिन जो बंधन बांधने के लिए इतना सारा नाटक किया उसको तोड़ने के लिए सिर्फ एक शब्द, तुरंत आनी। नको साहब नको, इस बंधन को बांधने के लिए जितने विधि विधान, जितने रीति रिवाज हुए थे, इसको तोड़ने के लिए भी उतने ही रीति रिवाज, उतने ही विधि विधान होंगे, और तब जाके ये बंधन टूटेगा, और तभी मैं इस घर से जाएगी, नहीं तो मिजाड़ा नहीं। मंजूर बा, हमरा के सब मंजूर बा। बेटा तैयारी करा। चूंकि ये परिणय बंधन तोड़ना है, इसके लिए वर और वधू उल्टा फेरा प्रारंभ करें। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। मैं ऐसा हे प्रियम कुर्यात् वामांग्यामि तदा त्वदीयं प्रभीति कन्या प्रथमं कुमारी। अर्थात तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान यदि आप मुझे लेकर करने का वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मैं अग्नि ब्राह्मण
और समस्त देवी देवताओं को साक्षी मानकर आपको प्रथम वचन से मुक्त करती हूँ। कन्या वचनम द्वितीय, अर्थात आप अपने माता पिता के समान ही मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और हर मर्यादा का पालन करेंगे। यदि आप ये वचन स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मैं अपने माता पिता को साक्षी मानकर आपको इस द्वितीय वचन से मुक्त करती हूँ। जीवनम अवस्थात रहे मम पालनम कुर्यात् वामांग्यामि तदा त्वदीयं प्रभृति कन्या वचनम तृतीयम्, अर्थात जीवन की तीनों अवस्थाओं में आप मेरा पालन करेंगे। यदि आप यह वचन स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मैं अपनी तीनों अवस्थाओं को साक्षी मानकर आपको इस तृतीय वचन से मुक्त करती हूँ। कुटुंब संपालन स्वकार कर्तु प्रतिज्ञा यदि कातम कुर्यात् वामांगामि तदा त्वदीयं प्रभृति कन्या वचनम चतुर्थम, हम विवाह सूत्र में बंध रहे हैं तो भविष्य में परिवार की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी आपके कंधे पे होगी। अगर आप ये वचन स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मैं आपको चतुर्थ वचन से मुक्त करती हूँ। स्वास्थ्य कार्य व्यवहार कर्मण्ये व्यये ममापि मंत्र येया वामांग्यामि तदा त्वदीयं वरुते वच पंच मंत्र कन्या, अर्थात अपने घर के कार्यों में विवाह आदि लेन देन या अन्य कहीं भी खर्च करते समय यदि आप मेरा राय लिया करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मैं इस पंचम वचन से आपको मुक्त करती हूँ। न मे पमानमम सावेद धतुम न वादूर व्यसनम भजम न श्वेत वामांग्यामि तदा त्वदीयं प्रभृति कन्या वचनम च षष्ठम, अर्थात यदि मैं कहीं सहेलियों के साथ हूँ तो आप सबके सामने मेरा अपमान नहीं करेंगे। जुआ या अन्य किसी तरह की बुराइयों को आप हमेशा अपने से दूर रखेंगे। यदि आप ये वचन देना स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मैं इस छठे वचन से आपको मुक्त करती हूँ। पर स्त्रियम मातृ समान स्नेह सदा चैन्नई कुर्यात्, अर्थात आप पराई स्त्रियों को माँ समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के बीच अन्य किसी को नहीं आने देने का वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मैं आपको इस सातवें वचन से भी मुक्त करती हूँ। सारे वचनों से मुक्त करने के बाद अब आप इनकी वामांगी नहीं रह गई, इसलिए अब आप दाहिने तरफ बैठे। मंगल सूत्र जो हर सुहागन स्त्रियों के लिए उसके सुहाग और अटल सौभाग्य की निशानी होती है, ये सौभाग्य आभूषण अब आप इनके गले से निकाल दीजिए। सौभाग्य सूचक मंगल सूत्रम विच्छेदनहं करिष्यामि। शरीर पर सुंदर वस्त्र आभूषण रहे या ना रहे, लेकिन जब तक उसके मांग में दमकता हुआ यह सिंदूर है तब तक पति पत्नी का रिश्ता अटूट है। अतः आप इस अचल सुहाग की निशानी सिंदूर को इनके मांग से मिटाकर सदा सदा के लिए इस रिश्ते से मुक्ति पा लीजिए। कांति वस्त्रम कन्या देह सजाति न साधति सिंदूरस्य समेतम संबंधन विच्छेदनम्। Yeah,
सुन। हमके माफ कर दे, हम साथ मेरा साथ बचन तुर सकता नहीं। एगो सुहागिन के सिंदूर धोवे में तो भगवान के भी पसीना छूट जाए, तमार काव का था ये अगर तुमसे ना हो सोना। अब समय नहीं के करता चंपा।